जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए। जय माता दी। दोस्तों फाइनली मीत भी पलट गई है, बिना रोए बिना चिल्ला चोट करे। बहुत दिन से कोशिश कर रही थी, रह रहा था उसका 1%। रानी हाथ फंसा के बेटा, हाथ निकाल दे, प्यार से प्यार से प्यार से, धीरे से धीरे से धीरे से। तो रीत पलटी थी पहले, अब मीत ने भी शुरू कर दिया। इनको कभी भी हम अनअटेंडेंट नहीं रख सकते, हमें ध्यान देना ही होगा। कभी पढ़ सकते, अब इस बेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कह रही हूँ 1 महीने में इन्हें नीचे ही बिठाना पड़ेगा। मीत मीत, वेल डन बेटा, वेरी गुड वेरी गुड बच्चे। रीत दीदी दीदी हैं इसलिए पहले पलटी है ना। मीत कब से दीदी से पहले से ट्राई कर रही थी, फाइनली हमारी मीत रानी पलट गई है बच्चे। मीतू वेरी गुड बच्चे, बहुत पीछे नहीं चल रहे हैं अपन, प्रीतम है तो क्या हुआ, है ना रीत। मीत को सिखा दिया आपने। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। दोस्तों और मालूम है आपको बहुत स्मार्ट लग रहे होंगे, आज पंडित जी ने बहुत प्यारा टीका लगाया है। उन्होंने कहा विघ्नहर्ता तुम्हारे सारे विघ्न हर देंगे, शत्रुओं का नाश होगा, तुम कुछ मत करो, बस सेवा करो अपने परिवार की अपनी बीवी की। चलो दोस्तों, आज सुबह तो उठे, नींद थकान, जीत स्कूल नहीं जा पा रही है, स्कूल का कुछ डर सा हो गया है उसको, और मैडम मारी मारी करती है तो थोड़ा चीजें अस्त व्यस्त हो गई है। घर तो हमेशा अस्त व्यस्त होता ही है, मैं भी अस्त व्यस्त होती हूँ, थोड़ी सी लाइफ हो गई है, उसे पटरी पर लाना है, जल्दी आ जाएगी। व्लॉग्स भी टाइम पे नहीं आ रहे, आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, परेशान है आप लोग, टेंशन मत लीजिए। दोस्तों चेहरे पे फेक स्माइल और लेके चलते हैं अपने काम पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैम्पर होने लगती हैं। हमें न्यू डोंट हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट, और पता नहीं क्यों है हमारे साथ ही ऐसा होता है, कहीं ना कहीं हम में वो कमी है कि हम उस चीज़ को, अगर हमें बार बार कहता हूँ और आप लोग से हेल्प लेना चाहते हैं किस चीज़ में, कि कोई हमारी टांग खींचता तो हम उससे इफेक्ट क्यों हो जाते हैं और हमारी लाइफ उससे इफेक्ट हो जाती है, ऐसा होना। अरे यार दोस्तों मैं काम करने जा रही हूँ, फिर पलट गई, तीसरी बार है ये, मान ही नहीं रही मेरी बात, पलटी जा रही है, मेरे को काम करना है, ज़्यादा देर अकेला नहीं छोड़ सकती मैं इसको। दोस्तों मोबाइल ख़राब हो गया, जो एंड्रॉयड मोबाइल है मेरा, जिससे मैं दूसरे काम करता हूँ। उसे पूरा किचन साफ किया है, मैं आपको बता नहीं सकती, 2 दिन से बर्तन नहीं धुल पाए थे, मैं तभी भी नहीं आई हूँ, आप नीचे दिखाओ। अच्छा दोस्तों 3:30 बज रहे हैं, कल तो शाम को ना 6 बजे आई थी ना, कल शाम को 6 बजे आई थी। आप सोचो कि मतलब कैसा क्या चल रहा है, और अब खाने में सब्जी नहीं बनी है, हाथ में रख चटनी खा रहे हैं, क्योंकि बापी समय नहीं है, और अभी 3 दिन से बर्तन धुले थे, रचना बता रही, क्योंकि कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई थी जो ब्लॉग में अभी नहीं बता रही हूँ, बट प्रॉमिस करती हूँ वक्त आएगा और मैं आपको जरूर बताऊंगी, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों अभी बच्चियां आई हैं और हम डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, बच्चियों को सिखा रहे हैं, सिखा के देखते हैं। ये मैंने आपको बताया इसको आप गरबा कर सकते हो, ऐसे घूम घूम के, वेरी गुड वेरी गुड टर्न, हाँ वेरी गुड, म्यूजिक का ऐसे ही करना, पैर पीछे करो, देखना ना ऐसे पैर पीछे, मेरे पैर देखना, तेरी भक्ति का वरदान है, 2 बार है ना, जो कमाए वो धनवान है, जो कमाए वो धनवान है ना, बिन किनारे की कश्ती, ऐसे कर सकते हो, बिन किनारे की कश्ती, हाँ एक बार शुरू से करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, पैर आगे करते, वेरी गुड, चंग बजेगा तब, तो 7 बज गए, मैंने इन लोग को तैयार तो कर दिया है और ये खींचा दानी चल रही है, मैं पज्जी नहीं पहनाई थी, गर्मी लग रही थी, डायपर पहनाया जस्ट अभी, ये देखो खींच रही है, वो मुन्ना चाह रही है और वो खींचने नहीं दे रही, हाँ बेटा, और ये वाली जो मेरी गुड़िया रानी है, मम्मा मैं क्या मैं, है बनाया आपने, ये कलर कर रही है, देखो अच्छा, मैं जा रही और एकदम से अभी गर्मी थी और एकदम से बादल गरजे, बारिश आ गई, अब पता नहीं आज हम नीचे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ये देखो पकड़ी हुई है, ये मुड़ के उधर जा रही थी, मैं वो ही दिखाने के लिए लाई थी, खींचा तानी चल रही है ना, खींचा तानी चल रही है ना, मस्ती करो बच्चे हो आप, करो मस्ती करो, है ना, मस्ती करने का ही दिन है।
अभी मैं बना रही हूँ कढ़ी, अभी कुछ डाला नहीं, उबाल ही रही हूँ पहले। माता जी को पसंद है कढ़ी इसलिए बना रही हूँ, क्योंकि दो तीन दिन से हम थोड़े खुश भी हैं किसी किसी चीज को लेकर। खुश कभी कभी मुसीबतें आती है तो हम खुश हो जाते हैं, उल्टा काम हो जाता है, ऐसा है। तो देखते हैं मालवे जी आए, उन्हें भग भग के जाना होता है, आप लोगों को पता ही है नीचे मौसम चेंज हुआ है, भग भग के जाना होता है। खा पाएंगे कि नहीं तो फटाफट से रोटी बना देती हूँ पहले। और ये उठ गई है लड़की, ये देखो उसको मत उठा, क्या हो गया, सो गए थे ना आप, मम्मा खाना बना रही थी ना, बाल खींचेगी एक मिनट। कपड़े सूख गए, अब आज वाले सूखेंगे नहीं, लेट हो गई मैं हर चीज़ में। क्या है, रो क्यों रही हो आप, अभी तो आप पहचान ही पाओगे कौन क्या है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं मुझे खुद, मुझे लेकिन पता है कि इनंगू कौन है, ये पुचड़ा मेरा कौन सा वाला पुचड़ा है, ये स्वयं साक्षात माता रानी है। तो दोस्तों अभी महेंद्र सेव भंडार आए हैं, इंदौर का काफ़ी फेमस नमकीन की दुकान है। आज शाम को हमारे यहाँ प्रोग्राम है भेल का, तो ये चौराया है, यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। शाम को तो ट्रैफिक अब देखोगे बढ़ना शुरू होगा, और मैं फंसूंगा इसी ट्रैफिक में आज, फिर कल भी फंसा था। तो दोस्तों अभी आए हम, देखो अपना अपना से लेंगे हम 56 भोग का प्रसाद, तो बहुत भीड़ है आप देख ही रहोगे, देखते हैं अपना नंबर कितनी देर में आता है। सर जी 56 भोग वाला आपको लेना, मेरी कोई सुनी नहीं रहा, ये सब 56 भोग वाले लोग हैं, 56 एक से एक थोड़ी होता है, होता है 56 56 भोग के दुकान में लाइन लग रही है। दोस्तों इतनी वेटिंग मुझे उम्मीद नहीं थी ना, मैंने 5 बजे आया था, मेरा ऑफिस तो पास में ही है, 56 भोग की लाइन लगी। आज क्या लास्ट डे है साई साई की, है ना, कल विसर्जन है, इतनी भीड़ है। आफ्टर सो मच स्ट्रगल फाइनली रिसीव हुआ, आधा घंटे ज़्यादा लग गया, वो भी लड़ाई लड़नी पड़ी, चुपचाप खड़े रहो तो 10 भी बच सकते हैं रात के। मेरी कल मैंने बुक कर दिया था 24 घंटे पहले, 5 बजे कल बुक करके आया हूँ, मतलब 4 बजे बुक किया है, मुझे नहीं पता था, नहीं तो पहले आते हैं या दूसरी दुकान से ले लेते। चलो ठीक है, ये 56 भोग तैयार है, वहाँ की दूसरा नमकीन भेल का तैयार है, हाँ ला के तो दे दिया हमारी टीम को, अब वो तैयारी करेगी, जब तक मैं ऊपर आऊँगा 8:30 हो गए, वो हालत ख़राब है, अब दाढ़ी माड़ी तो मैं सही नहीं कर रहा हूँ, जो है ठीक है, दिखाना किसको ऊपर वाला देखेगा बस, वो तो यूँ पहचानता है। तो तैयार होकर चलते हैं, वहाँ वापस नीचे आना है, तो यही अभी डेली रूटीन चल रहा है, आप देख ही रहोगे कि वहाँ से आओ तैयार हो, थोड़े से बदतमीजी से मतलब रूड हो जाता है नेचर, रचना से थोड़ा सा रूड नहीं सो आने लगी, मगर ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि जो जो 10 दिन हमने किए हैं, हमारी क्या डेली लाइफ रही और क्या रूटीन रहा, हमारा मेंटल स्टेटस कैसा, और ये लोगों ने कैसे परेशान किया, वो सब बताएंगे हम आपको आखिरी दिन। तो मालवे जी आ गए, जिनमें आपने देखा था वो बच्ची आई थी, वो अभी फिर आई थी, हुई प्रैक्टिस करने, मैंने सिखाया उसको, मुझे खुशी हुई, मैंने अच्छे स्टेप बताया उसे अपने मन से, पर वो प्रैक्टिस के बिना उतने नहीं हो पाएंगे, बट हाँ अच्छा लग रहा है, मैं अपनी मेरे अंदर की क्रिएटिविटी जाग रही है। ये भी सो गए थे, वो दोनों भी सो गए थे, मालवे जी खाना खा रहे हैं अपने लज्जावश संभालते हुए, मुझे दिखा नहीं सकते बस, क्योंकि अभी जस्ट नहा के आए हैं, टॉवल में बैठते हैं थोड़ी देर, खाना खा रहे हैं, ये दोनों एक एक पराठा खा ले, हैवी खा के जाते हैं तो दिक्कत हो गए, 5:30 के होंगे, तो अब मुझे इनका ऊपर का स्टार्ट करना ही है एक दो दिन में, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है मुझे। कल कन्या भोजन है, खीर मैं बनाऊंगी सभी कन्याओं के लिए, खीर मेरी तरफ से जाएगी, पूरी आलू की सब्जी बाकी चीजें सब लोग बांट लेते हैं अपने हिसाब से जिसकी जैसी श्रद्धा, तो अच्छी बात है, माता रानी कन्याएं माता रानी होती है। बहुत दिनों बाद आज रचना ने बनाई है कड़ी, और मैं तो भाई ये दूसरी कटोरी है, बहुत मजा आ गया, आनंद की प्राप्ति हो रही है, बज रहे हैं 8:30, थोड़ा इरिटेटिंग लगी होगी मेरी आवाज़, मगर मुझे ऐसी पसंद, मजा आ गया, गीत पीना नहीं। चलो हमारी गुड़िया आ गई, जो दीदी चला रहे हैं, तो दीदी उधर नहीं आना, सीधा देखो तो कचरा है पीछे। तो भैया हमारी मीत आ चुकी है सबको दर्शन देने, हाँ हाँ अभी करेंगे, जाओ उधर सब बाहर घूमो, सबको मिलेगा सब कुछ बेटा। आ
आज गणेश जी को लगे हैं छप्पन भोग। देखो हैंड वैक्स शुगर हैंड वैक्स जस्ट 59 रुपीस। गीत ओपन करो। महेश्वरी बहल वाला क्यों महेश्वरी बहल वाला दम दम बाजे डो। दोस्तों चाय आ गई। चाय बहू बहुत अच्छी चाय बना रही। कहते जैसे कर दो हैं गुड नाइट जैसे कसम से अभी पता है पूरी। चलो बाय गुड नाइट। गलती ना डंडा लेके मारेंगे अपन साइड। गीत बाय कर दो सबको। बाय बाय गुड नाइट। डंडा लेके पक्का खड़ी अपन मारेंगे। दोस्तों आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। डांस हुए हैं कुछ पता नहीं। रिकॉर्डिंग किसने करी? क्यों अपने डांस की किसी ने रिकॉर्डिंग करी? ब्लॉग बहुत सारा फनी गेम्स तो किए हैं। दोस्तों बज रहे 1:30 और सोना किसी को नहीं है। पता नहीं क्या हो गया हम लोगों को। डेढ़ बज रहा है। 1:30 सो जाओ। ऐसा आप लिखो इन दोनों के बारे में। गुड नाइट मिलते हैं कल। अपना ध्यान रखना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बोलो बोलो कि मी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमारी निष्ठा के लिए। बाय गुड नाइट।